बागपत के बड़ौद कोतवाली पुलिस को तीन मासूम बच्चा लावारिस घूमते हुए मिले हैं। तीनों बच्चियां अपने परिजनों का नाम नहीं बता पा रही हैं। उसी के चलते पुलिस ने उन्हें एक स्थानीय निवासी के सुपुर्द कर दिया है। इंस्पेक्टर बड़ौद का कहना है कि पुलिस बच्चों के परिजनों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल एक स्थानीय निवासी बच्चियों को की देखरेख कर रहा है और उनका कहना है कि अगर बच्ची के माता पिता नहीं मिलते तो तीनों बच्चों का पालन पोषण वही लोग करेंगे। लावारिस मिली तीनों बच्चियों की उम्र 2 से 5 साल के बीच में है। बच्चों को अपने नाम तो मालूम है लेकिन अपने माता पिता के बारे में वे कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। बच्चे कहाँ से मिले, पूरा क्या है मामला? बच्चे का ये हमारे यहाँ मदरसे के पास आई, एक औरत छोड़ने आई है। हमने ये कहने लगी ऐलान करवा दो, हमने ऐलान करवा आस पास मस्जिदों में, ये कोई नहीं आया। फिर अब बच्ची है हमारे पास, उसके एक लड़की का नाम सुहाना है, एक का इकरा है, एक का सुमैया है। ये हमारे पास ही है, इनका कोई ना माँ ना बाप कोई नहीं आया, और इनके पास हमारे पास ही है ये, कोई नहीं आया इनके पास। पुलिस में भी इंक्वायरी करी हमने, वे भी आए, तो अब और कोई नहीं। नहीं जी, हम पालेंगे, जो नहीं माँ बाप आए हमारे पास ही रहेंगे, आएंगे दे देंगे, नहीं आएंगे तो हमारे पास है। अब्दुल जब्बार, पूरा बताओ बच्चे के बारे में, कहाँ से मिली? ये जो है एक औरत यहाँ लाई थी कि बच्ची रली हुई है मदरसे में कि इनका ऐलान करा दो। हमने यहाँ लाने के बाद में मस्जिद में ऐलान कराया, आस पास की मस्जिदों में ऐलान कराया, और फिर जो है उसके बाद शाम को जब कोई नहीं आया थाने में पुलिस को बुलाया हमने, उनको आ गए यहाँ जो है इनकी जानकारी लेके और लिख के लेकर चले गए। उसके बाद अब तक इनका कोई ये पता नहीं लगा ये कहाँ से आई और किसकी है, हमें इनका कुछ पता नहीं, ना इनके माँ बाप आए ना। क्या नाम है इन बच्चों के? एक का सुमैया, एक का जो हैगा सुहाना, और एक का इकरा। अभी इन्हें आप ही संभाल लेना ने जी, अब जो है ये कल से हमारे पास ही है, हम ही संभाल लिए जी, हम ही अपने पास रख रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन